हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो टॉपिक हम लेके आ रहे हैं वो इंडोक्राइनोलॉजी का है, जिसमें हम हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी पढ़ेंगे। जैसा कि हमको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक मेजर रेगुलेटर होता है हार्मोनल सिस्टम का, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। ये पिक्चर से देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया गया है कि अगर हमें हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड कैसे वर्क करता है, उसके फंक्शन को क्या करना है, ये कंट्रोल करना है, तो हम कैसे देखेंगे। मान लीजिए कि हमारे शरीर में क्या है, ये T3 T4 की कमी हो गई, तो वो जाएगा कहाँ पर, पारा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन किसके यहाँ भेजेगा, पिट्यूटरी के पास भेजेगा। पिट्यूटरी क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से थायराइड को क्या करेगा, एक्टिवेट स्टिमुलेट करेगा, जिससे T3 T4 का प्रोडक्शन होगा। लेकिन जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो सोमैटोस्टैटिन के थ्रू वो क्या करता है, उसको रोक देता है, ठीक है। यही है क्या फीडबैक, ऐसे ही काम करता है कौन, तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड को कौन कौन स्टिमुलेट करता है, कौन कौन इनहिबिट करता है, तो कॉर्टिकोइड रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। POMC कार्ट न्यूरोन स्टिमुलेट करता है। NBY और AGRP न्यूरॉन्स क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है। और अगर हमारे शरीर में T3 T4 ज़्यादा हो जाए तो वो भी इनहिबिट करता है, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट करता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है एड्रीनल एक्सिस पे। तो जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले क्या होगा, कॉर्टिसोल की कमी होगी, तो कॉर्टिसोल की कमी होगी तो कॉर्टिसोल कहाँ जाएगा, ये बात पता चलेगा हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कॉर्टिसोल रिलीजिंग न्यूरॉन्स सॉरी कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन भेजेगा किसके पास, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, तो एडिनोकॉर्टिकोथायराइड हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड के पास भेजेगा, जिसे एड्रीनल ग्लैंड क्या है, कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करेगा। अब ज़्यादा जब प्रोड्यूस हो गया तो वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को कहेगा बस रुक जाओ, ठीक है। तो इस तरह इसका काम होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ प्रोसेस चलते हैं, जैसे कि क्या स्टिमुलेट करता है, क्या इनहेबिट करता है। जैसे उसमें क्या इनहेबिट कर रहा था, NPY और AGRP न्यूरॉन्स इनहेबिट कर रहे थे, और ज़्यादा अगर T3 T4 हो जाएगा तो वो इनहेबिट कर रहा था थायराइड को। एड्रिनल को कौन सा इनहेबिट करता है, तो एक तो कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाए तब, नहीं तो CRIF। अब CRIF क्या होता है, तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज इनहेबिटिंग फैक्टर, ठीक है। एक ये इनहेबिट करता है, और क्या इनहेबिट करता है, गावा। गावा इनहेबिट कर रहा है। पारा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ये भी इनहेबिट करता है। बाकी सब क्या करते हैं, एस्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये है हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जैसा कि हमें पता है पिट्यूटरी ग्लैंड में मेनली 7 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन के अनुसार उसके फंक्शन बताए गए, जैसे कि एड्रीनो कॉर्टिको ACTH ये एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा होता है, ये सुपीरियर में पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है, तो ये प्रोडक्शन करता है और सेक्रेट करता है किसको, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, और किसको, तो मिनरोकॉर्टिकॉइड्स को और एंड्रोजियन को। मतलब हम कह सकते हैं ACTH क्या है, एड्रिनल ग्लैंड पे अफेक्ट करता है। और उसके 3 लेयर होते हैं ना, GFR, तो उन तीनों से ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरोकॉर्टिकॉइड्स और एंड्रोजियन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ADH पोस्टीरियर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। देखें, दो होता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का 2 पाथ होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर से कितने हार्मोन्स निकलते हैं, 7 हार्मोन्स निकलते हैं, पोस्टीरियर से 2, एंटीडायुरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोक्सिन, ठीक है। तो एंटीडायुरेटिक हार्मोन का क्या काम कर रहता है, तो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, और ऑक्सीटोक्सिन का तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस करता है, नहीं तो हेल्प करता है प्रोलैक्टिन में, ठीक है। देखते हैं CRS जहाँ पर भी रिलीजिंग रहेगा वो हाइपोथैलेमस से निकलता है, ठीक है। तो रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से है, कॉर्टिकोकॉइड्स रिलीजिंग हार्मोन है, तो ये ACTH को सेक्रिएट करेगा, ठीक है। डोपामिन, डोपामिन भी हाइपोथैलेमस में होता है, लेकिन इन्फीरियर। देखिए,
सारे सुपीरियर्स होते, सिर्फ दो होता है जो इन्फीरियर्स होता है, एक डोपामिन एक सोमेटोस्टैटिन। डोपामिन क्या करता है, सेक्रिएशन ऑफ प्रोलैक्टिन करता है, और सोमेटोस्टैटिन क्या करता है, सेक्रिएशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। बाकी सब सुपीरियर से रिलीज होता है। अब देखिए फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर फीमेल में प्रोड्यूस होगा, फोलिकल्स, फोलिकल से ही समझ लीजिए क्या करता है, तो फोलिकल से ईस्ट्रोजन ऑफ ईस्ट्रोजन को सेक्रिएट करता है फ्रॉम ओवरी, और मेल में रहेगा तो स्पर्म को सेक्रिएट करेगा फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये किसको सेक्रिएट करेगा, तो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 को सेक्रिएट करेगा, ठीक है। गोनाडोट्रॉपिक रिलीजिंग, रिलीजिंग आ गया तो क्या होगा, हाइपोथैलमस, ठीक है। तो ग्रोथ फैक्टर रिलीजिंग है तो ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन को सेक्रिएट करेगा। ग्रेलिन, ग्रेलिन भी हाइपोथैलमस के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है, और ये क्या करता है, तो ये सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करने में हेल्प करता है। देखिए जहाँ पर भी रिलीजिंग आ जाए वहाँ पे हाइपोथैलमस। गोनाडोट्रॉपिक, गोनाडोट्रॉपिक में क्या कौन कौन सा होता है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लिटोलाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन देख लेते हैं, और लिटोलाइजिंग, ठीक है। तो फीमेल में रहेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन डेवलप करेगा, और ओवुलेशन में, अगर मेल में रहेगा तो टेस्टेरियन का सेक्रेट करेगा, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन पहले बताए थे पोस्टीरियर से रिलीज होता है, ये यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में और रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या है, प्रोमोशन ऑफ मिल्क सिंथेसिस, मतलब ये मिल्क सिंथेसिस में काम करता है, ठीक है। मिल्क इस देखिए कंफ्यूज मत होइए, प्रोलैक्टिन से मिल्क बनता है, ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज जब बच्चा पीता है ना, सकिंग करता है उसमें रिलीज करता है ऑक्सीटॉक्सिन, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन ये भी हाइपोथैलमस में, और क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन और टीएचएस को सक्रियत करता है। रिलीजिंग हाइपोथैलमस, जहाँ पर भी रिलीजिंग रहेगा वो हाइपोथैलमस, और जहाँ पर भी स्टिमुलेटिंग रहेगा वो एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो रिलीजिंग हार्मोन है तो टीएचएस और पीआरएल को क्या करता है, सक्रियत करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी टी3 टी4 को सक्रियत करता है, ठीक है। अब एनाटोमी जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, तो बेस ऑफ द स्कल में स्फेनोइड के सैडल शेप कैविटी में होता है, जिसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, सीला क्या है, टर्सिका, ठीक है। फिर से कहाँ होता है, तो स्कल के बेस में स्फेनोइड बोन, ठीक है, स्पाइन बोन के सैडल शेप कैविटी में होता है, जिसका दूसरा नाम सिंपल में कह सकते हैं सीला टर्सिका, ठीक है। अब ये इसका ये बोन चारों तरफ से कैसे प्रोटेक्ट होता है, तो बोनी स्ट्रक्चर से, बाइलेटरल और इनफीलियर। तो दूरा, दूरा एक डेंस लेयर होता है कनेक्टिव टिश्यू का, जो कहाँ होता है, सीला तर्किका के रूफ में होता है, ठीक है, क्या दूरा, ठीक है। एक्सटर्नल लेयर ऑफ द दूरा कंटिन्यू इनटू द सीला टू फॉर्म इट्स लाइनिंग। देखिए क्या है, दूरा है जो सीला के रूप में पाया जाता है, ठीक है, और एक्सटर्नल लेयर ऑफ दूरा कहाँ पे होता है, तो कंटिन्यू करता है सीला से और फॉर्म करता है लाइनिंग को, ठीक है। एज ए रिजल्ट पिट्यूटरी इज एक्स्ट्रा ड्यूलर एंड इज नॉट नॉर्मल, इसलिए कहा जाता है कि पिट्यूटरी है जो ड्यूलर से अलग होता है, ठीक है, और इसको सीएसएफ से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलमस से कैसे ज्वाइन होता है, तो एक पिट्यूटरी स्टाल्क के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड दो भाग में डिवाइड होता है, एंटीरियर को एडिनो हाइपोफैसी कहते हैं, पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफैसी कहते हैं। एडिनो हाइपोफैसी डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेट करेगा हार्मोन को, और न्यूरो हाइपोफैसिस न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। 80% क्या होता है, एंटीरियर लोब होते हैं। इम्ब्रायोलॉजी कब बनता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ओरिजिनेट होता है क्या से, तो रथ के पॉच से, ठीक है, जो कैसा है, तो ओरल इक्टोडर्म के अंदर का इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। ये मेनली 6 वीक में बनता है, ठीक है। पहले तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो रथ के पॉज से, जो इन्वेस्टिगेशन होता है ओरल इक्टोडर्म में। इट देन डिटैच फ्रॉम ओरल इपिथेलियम, उसके बाद ये क्या होता है, कुछ दिन के बाद ओरल इपिथेलियम से अलग हो जाता है और एक अलग स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ये मेनली 6 वीक में होता है। द कनेक्शन बिटवीन रथ के पॉज एंड ओरो फेरिंजल इज कम्प्लीटली ऑब्लिगेटेड, 6 वीक होते होते दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पॉच स्टेबली से डायरेक्ट कनेक्शन विद द डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलमस टू गिव राइज ऑफ पिट्यूटरी स्टाल्क, कह रहा है कि ओरोफेरिंग से वो पूरी तरह अलग हो गया, और उसके बाद वो किससे जुड़ा जाके,
तो हाइपोथैलमस से कैसे, तो पिट्यूटरी स्टाल्क बना के, ठीक है। अब कह रहा है परसिस्टेंट रेमनेंट ऑफ ओरिजिनल कनेक्शन बिटवीन रथ के पॉस एंड ओरल कैविटी के अंदर, अगर वो कनेक्शन कंटिन्यू रहा तो क्या करेगा, ट्यूमर डेवलप करेगा, जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है जिसका नाम है क्रैनियो फ्रेंजियो फ्रेंजियोमास, ठीक है। क्या, क्रैनियो फ्रेंजियोमास, ठीक है। अब वेस्कुलर सप्लाई, जो मेन वेस्कुलर सप्लाई होता है वह इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा होता है, और जो हेल्प करते हैं कैसे, तो भाया इंफीरियर मिडिल और सुपीरियर हाइपोफेसियल आर्टरी के द्वारा, हाइपोफेसियल आर्टरी, ठीक है। ये इसको याद करने का तरीका है, मिस, एम से मिडिल, आई से इन्फीरियर, एस से सुपीरियर, हाइपोफेसियल आर्टरी, ठीक है। ये नेटवर्क इसको एक स्पेशल यूनिक पोल्टा सर्कुलेशन देता है, किसके किसके बीच, तो हाइपोथैलमस से पिट्यूटरी के बीच, ठीक है। जो सुपीरियर हाइपोफेसियल आर्टरी है वो पेनिट्रेट करता है अस्टाल्क को, ठीक है, किसको, अस्टाल्क को, पिट्यूटरी अस्टाल्क को, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इट इज थ्रू दिस पोर्टर वेनस सिस्टम दैट हाइपोथैलमिक हार्मोन आर डिलीवर टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये क्या कह रहा है, जो हाइपोथैलमिक हार्मोन है वो किसके द्वारा होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, ये तो पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब ये कैसे करता है, तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है ना, आर सेक्रिएटेड इन टू सेकेंडरी प्लेक्सस ऑफ पोर्टल वेन, और जो ड्रेन होता है डुलर वेनल साइनस के द्वारा, ठीक है। अब इसमें कौन सा सेल प्रजेंट होता है, तो इसमें जो ये सेल प्रजेंट होते हैं वो मेनली लार्ज फैमिली ऑफ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन रिसेम्बलिंग होमबॉक्स जीन, जो मेनली होमबॉक्स जीन में आते हैं, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। इसमें पांच टाइप का सेल पाया जाता है, वो छह पेप्टाइड हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। फाइव सेल टाइप इन द एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस सिक्स पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, सोमैटोट्रोप्स प्रोड्यूस, अब सोमैटोट्रोप्स क्या क्या प्रोड्यूस करता है, जो सेवन हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पीओएमसी, और क्या है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और क्या है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब कौन प्रोड्यूस करता है, तो सोमैटोट्रोप्स, ठीक है। अब सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, तो 191 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा सक्रियत होता है, तो सोमैटोट्रोप्स के द्वारा इन द पिट्यूटरी। इट्स जीन ग्रोथ हार्मोन फर्स्ट इज द फर्स्ट इन द क्लस्टर ऑफ फाइव क्लोजली रिलेटेड जीन ऑन द, जो ग्रोथ हार्मोन वन है ना वो कहाँ पाया जाता है, तो क्रोमोजोम नंबर 17 Q22 से 24 के बीच में, ठीक है। और बाकी जो फोर अदर जीन हैं CH1 CH2 GH2 CSP, वो मेनली ग्रेटर देन 90% सीक्वेंस आइडेंटिफाई होता है जी, मतलब मिलता है किसका, ग्रोथ हार्मोन वन से, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रिएटेड इन ए पल्सेटाइल फैशन, यह हार्मोन पहले हाइपोथैलमस कहेगा, फिर हाइपोथैलमस क्या, पिट्यूटरी को कहेगा, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये क्या के लिए करता है, इट स्टिमुलेट ग्रोथ हार्मोन रिलीज, सो मैं तो देखें ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो क्या उनसे क्रिएट करता है, हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस रिलीज करेगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, ग्रोथ हार्मोन को। लेकिन अगर ये हाइपोथैलमस सोमैटोस्टेटिन रिलीज किया तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहेबिट हो जाएगा, मतलब कि ग्रोथ हाइपोथैलमस है दो तरह का हार्मोन रिलीज कर रहा है, एक तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा क्या है, सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को इनहेबिट करता है, और ये क्या है, GHRH ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को बढ़ाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और क्या है, तो एक जब ज़्यादा हो जाता है ग्रोथ हार्मोन तो समय तो एस्ट्रोजन कम कर देता है। अब एक है ग्रेलिन, ए पेप्टाइड प्रोड्यूस बाय आर्कुलेट न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलमस एंड इन मच ग्रेटर क्वांटिटी बाय स्टोमैक विच स्टमुलेट ग्रोथ हार्मोन। ग्रेलिन होता है जो किसके द्वारा रिलीज होता है, तो आर्कुएट न्यूक्लियस के द्वारा, जो हाइपोथैलमस का है, और ये क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है। थ्री हाइपोथैलमिक हार्मोन
फिजियोलॉजिक फैक्टर प्ले ए रोल इन स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटिंग ग्रोथ हार्मोन। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है और स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो स्लीप, एक्सरसाइज, फिजिकल स्ट्रेस, ट्रॉमा, एक्यूट इलनेस, पुवर्टी, फास्टिंग, हाइपोग्लाइसीमिया, ये सब क्या करता है? रिलीज को स्टिमुलेट करता है। लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोथायरिडिन, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ये रिलीज को इनहेबिट करता है। मतलब इनहेबिट बहुत कम लोग करते हैं। एक तो सोमैटोस्टैटिन, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो, थायराइड कम हो जाए तो, और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, कितने? चार चीज़, फिर से याद कर लीजिए, सोमैटोस्टैटिन, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और हाइपोथायरिडिज्म क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन को इनहेबिट करता है। बाकी सब क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, ठीक है। ये सब तो आपको पढ़ा चुके हैं, देखिए, नहीं ग्रोथ हार्मोन का नहीं पढ़ाए थे। सबसे पहले क्या होता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या है? पिट्यूटरी को कहता है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो, और वो क्या होता है? रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, कैसे? तो ग्रोथ हार्मोन क्या रिलीज करता है? टेंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा तो वो पिट्यूटरी में जाके कहेगा कि अब ज़्यादा हो गया, अब ये ग्रोथ हार्मोन को रोक दो, ठीक है। तो इस तरह काम होता है। ये यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन सेक्रिएशन बाय पिट्यूटरी इज स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये तो हमने बता दिया। और इनहेबिट होता है किसके द्वारा? तो सोमैटोस्टैटिन के द्वारा। निगेटिव फीडबैक किसके द्वारा होता है? तो IGF फैक्टर 1 के द्वारा और फ्री फैटी एसिड, ये भी पहले बता दिया। ग्रोथ हार्मोन इट सेल्फ एक्सर्ट ए शॉर्ट लूप निगेटिव फीडबैक थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ SST न्यूरॉन। कभी कभी ग्रोथ हार्मोन खुद ही करता है क्या? निगेटिव फीडबैक, कैसे? तो सोमैटोस्टैटिन को ये क्या एक्टिवेट करके, ठीक है। अब क्या कह रहा है? सोमैटोस्टैटिन डायरेक्टली सिनेप्स ऑन आर्टिकुलेट गोनेडोट्रॉपिक क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन न्यूरॉन्स, और कोरिलेट करता है कहाँ पे? मेडियन इमिनेंसिस पे। अब NP बाय न्यूरॉन्स इन द आर्कुएट इनडायरेक्टली मोडुलेट ग्रोथ हार्मोन सेक्रिएशन, ये भी NP बाय न्यूरॉन क्या करता है? मोडुलेट करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? पेरीफेरल ग्रोथ हार्मोन लेप्टिन ग्रेलिन, ये भी इंक्रीज करता है, कैसे? तो पेरीवेंट्रिकल में प्रोजेक्ट करके। ग्रेलिन इज सेक्रेटेड बाई स्टोमक, इज ए नेचुरल लिगेंड फॉर द GS सेक्रेटो गोज, ठीक है। पूछेगा GS स्टोमक में क्या ऐसा पाया जाता है जो ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है? तो ग्रेलिन, ठीक है। अब क्या कर रहा है? GS बाइंड करता है किससे? टारगेट सेल से। तो टारगेट सेल में जो रिसेप्टर होते हैं उसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं? 620 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। विद द एक्स्ट्रा डोमेन ए सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन एंड साइटोप्लाज्मिक डोमेन, इतने डोमेन से वो जाके क्या करता है? अटैच करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज फ्रेगमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन सर्कुलेट करेगा कहाँ? प्लाज्मा में, क्या? क्लीवेज फ्रेगमेंट। अब वो क्या करेगा, एक्ट कैसे करेगा? तो ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन की तरह काम करेगा। अब ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? तो इंट्रिंसिक काइनेज, इसमें जो रिसेप्टर होता है ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर, उसमें साइटोकाइनिन डोमेन में क्या हो लैक होता है? तो इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी लैक होता है। तो ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग क्या करेगा? डाइमेराइजेशन करेगा और एक्टिवेट करेगा JK2 को, किसको? JK2 को, ठीक है। अब क्या है कि फॉस्फराइजेशन ऑफ द काइनेज एंड अदर प्रोटीन सबस्ट्रेट इनिशिएट ए सीरीज ऑफ इवेंट, जो क्या करता है? अल्टरेशन करता है किसको? न्यूक्लियर जीन ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। ये मेनली किसके द्वारा होता है? तो STAT5B के द्वारा होता है। अब क्या कह रहा है? तो ये तो मैंने बता दिया, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करता है। तो ये क्या कह रहा है? ग्रोथ हार्मोन इन क्या है? इंक्लूड इंक्रीज इन लीनियर ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन का बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? तो लीनियर ग्रोथ को बढ़ाता है, बोन के थिकनेस को बढ़ाता है, सॉफ्ट टिश्यू के ग्रोथ को बढ़ाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, फैटी एसिड के रिलीज करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है, ठीक है। तो
तो माइटोजेनिक एक्शन ऑफ जीएच क्या है? तो ये इंक्रीज करता है किसको? तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को, ठीक है। और फॉर्मली इसको क्या नेम दिया गया है? तो सोमैटोमेडिन सी। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को फॉर्मली क्या नाम दिया गया है? सोमैटोमेडिन सी, ठीक है। अब ये जब इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा तो इसका स्टिमुलेशन कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। दूसरा है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कितने अमीनो एसिड से बने होते हैं? तो 199, मतलब 200 से 1 कम। इसका क्या रेगुलेशन है? तो ये रेगुलेट करता है क्या को? तो हमारे ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ये कैसे होता है तो आपको पता है, लेकिन इसका एंटागोनिस्ट क्या होता है? तो डोपामिन एंटागोनिस्ट। प्रोलैक्टिन को इंक्रीज कौन करता है? तो डोपामिन एंटागोनिस्ट, प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ट्यूमर, ये सब प्रोलैक्टिन के रिलीज को बढ़ा देता है। लेकिन उसको रिड्यूस कौन करता है? तो डोपामिन अगोनिस्ट। कौन? डोपामिन अगोनिस्ट। प्राइमरी फिजियोलॉजिक रोल क्या है? तो ये मेंटेन करता है किसको? लैक्टेशन को। ये प्रिपेयर करता है ब्रेस्ट को फॉर लैक्टेशन और मिल्क का प्रोडक्शन करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ मिल्क, वही मिल्क के डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। आफ्टर डिलीवरी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल ड्रॉप एंड फिजियोलॉजिकल स्टिमुली सच एज सकलिंग एंड निपल स्टिमुलेशन, पीआरए रिलीज एंड इनिशिएट लैक्टेशन। कह रहा है कि जब ये लैक्टेशन प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट होता है तो उसमें क्या ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है और अच्छे से लैक्टेशन होता है, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसमें दो चेन होते हैं, ग्लूकोप्रोटीन के दो चेन होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा में 89 अमीनो एसिड होते हैं और बीटा में 112 अमीनो एसिड होते हैं। जो अल्फा होता है ना, स्टिमुलेटिंग कह रहा है, मतलब कि पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होगा। तो ये किसको किनको आइडेंटिफाई करता है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और एससीजी को। और जो बीटा होता है वो किसको करता है स्पेसिफिक? तो टीएचएस के लिए है, ठीक है। टीएचएस स्टोर कहाँ होता है? तो सेक्रेटरी ग्रेनुल्स में, जो रिलीज होता है सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है। किसके द्वारा? तो हाइपोथैलमस के द्वारा। हाइपोथैलमस क्या करेगा? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा, पिट्यूटरी फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो स्टोर होता है सेक्रेटरी ग्रेनुल्स में, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है T4 T3 को, किसके से? तो थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। कैसे? तो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक CMP से, और क्या जी प्रोटीन सेकेंड मैसेंजर सिस्टम से, ठीक है। निगेटिव फीडबैक से क्या होता है? इनहेबिट होता है। अगर THS की डिफिशियंसी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा? एट्रोपी या इनएक्टिव हो जाए। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रोपी हो जाएगा, ठीक है। एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं? तो 39 अमीनो एसिड होते हैं। और डेराइव फ्रॉम, ये कैसे डेराइव होता है? तो ये क्लीवेज फ्रॉम पीओएमएमसी के क्लीवेज से ये डेराइव होता है, ठीक है। ये कितने तरह के होते हैं? तो पीओएमसी ऑल्सो कंटेन सीक्वेंस, कितने सीक्वेंस होते हैं? तो लिपोट्रोपिन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और बीटा इंडोर फिन, इतने होते हैं इसमें। कितने? तो लिपोप्रोटीन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इंडोरफिन, ठीक है। अब क्या कह रहा है? सेक्रिएशन ऑफ ACTH इज रेगुलेटेड बाय CRH। वो तो पहले ही पढ़े थे। हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीज करता है CRH जो, और वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी रिलीज करता है ACTH को, ठीक है। अब ACTH में कितने होते हैं? 39 होते हैं। और CRH कितने होते हैं? 41 अमीनो एसिड इसमें होता है। अब ACTH का काम क्या है? तो ये इसका काम है कि ये डायगोनल पैटर्न है, ठीक है। मैंने ये बहुत एक्टिविटी बहुत सारे काम करता है, ठीक है। ये मेनली ज़्यादा कब सक्रिय होता है? तो हाईएस्ट इन द मॉर्निंग एट द टाइम ऑफ वेकिंग, जब हम जागते हैं ना, तो ये हमारा ACTH सबसे ज़्यादा होता है। एंड लो कब होता है? तो लेट आफ्टरनून और इवनिंग में, ठीक है। रीच देयर नैडिल 1 to 2 आवर्स आफ्टर बिगनिंग स्लीप, जब सोने के लिए जाने लगते हैं
तब ये फिर से रीच हो जाता है। अब क्या कह रहा है, ए सी टी एच अपीयर्स टू बी प्रिंसिपली पिगमेंट्री हार्मोन इन ह्यूमन। अब इसका काम, अब क्या है, लिथलाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा रिलीज होता है, दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। अल्फा सबिनिट दोनों का सेम होता है, जो सेक्रिएट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक में, लेकिन पिता अलग अलग होता है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं FSH क्या करता है, फीमेल में ओवरी से एग रिलीज करता है और मेल में टेस्टिस से स्पर्म रिलीज करता है, और लिटलाइजिंग हार्मोन क्या करता है, तो फीमेल में क्या करता है, ओवेरियन का डेवलपमेंट करता, ओवुलेशन करता है और कॉर्पस लूटियम का डेवलपमेंट करता है, और LH फीमेल मेल में क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो वही यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और ये मेनली कैसे होता है, तो ये एक्टिवेट करता है किसके द्वारा, एडिनाइल साइक्लेज के द्वारा विद द हेल्प ऑफ जी प्रोटीन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है कि हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिससे पिट्यूटरी हार्मोन क्या होगा, स्टिमुलेट हो जाएगा और LH और FSH क्या होगा, सेक्रेट होगा, जिसके कारण टेस्टिस क्या, स्पर्म टेस्टेरियन प्रोड्यूस करेगा, ओवरी प्रोजेस्टेरियन, ठीक है। तो उसके बाद अगर ज़्यादा हो गया तो उसको इनहेबिन रोकेगा, ये टेस्टिस इनहेबिन सेक्रेट करेगा, जिससे क्या होगा, पिट्यूटरी सेक्रेट करना LHS और FSH कम कर देगा, और इनहेबिन दोनों के द्वारा सेक्रेट होता है, ओवरी के द्वारा भी और टेस्टिस के द्वारा भी, ठीक है। इस्ट्राडियोल क्या करेगा, अगर एक्सेस हो जाएगा तो वो किस पे इफेक्ट करेगा, तो न्यूरॉन्स पे इफेक्ट करेगा और उसको क्या करेगा, सेक्रेशन को डिक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है कौन डिक्रीज करता है और कौन इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इंक्रीज कौन कौन कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, सीजनल फ्लू और NPY और ग्लूटामेट, और कौन कौन सा कर रहा है, तो ये किस पे, तीन न्यूरॉन्स भी इंक्रीज कर रहा है, GALP भी इंक्रीज कर रहा है, और इसको छोड़ के बाकी जो भी है वो क्या कर रहा है, सब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, लिथलाइजिंग हार्मोन ए डेक का पेप्टाइड, कितने पेप्टाइड का बना होता है, तो 10 पेप्टाइड का बना होता है, ठीक है। दोनों फिर वही होगा कि दोनों सेम गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा मेंटेन होता है, ठीक है। सेक्रिएशन ऑफ लिथलाइजिंग हार्मोन इज इनहेबिटेड बाय एंड्रोजन एंड ईस्ट्रोजन, ये याद करने की ज़रूरत है। लिथलाइजिंग हार्मोन मेनली क्या सेक्रिएट करता है, टेस्टेरियन, ठीक है। तो अगर ज़्यादा हो जाए तो ये तो इनहेबिट होगा, ठीक है, इसलिए एंड्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का अपोजिट होता है, इसलिए वो इनहेबिट करता है, ठीक है। FSH किसके द्वारा इनहेबिन होगा, सप्रेस होगा, तो गोनेडल प्रोडक्शन ऑफ इनहेबिन, इनहेबिन के द्वारा क्या होगा, FSH को हम क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो ये बीटा जो इनहेबिन है ना, उसमें अल्फा बीटा दोनों सब यूनिट होता है और ये ज्वाइन होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, क्या है, बीटा बीटा डाइमर, जिसको दूसरा नाम क्या दिया गया है, एक्टिविन आल्सो ऑकर, ये भी ऑकर होता है, जो स्टिमुलेट करता है FSH के फंक्शन को, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सेल टाइप, जैसा कि बताए थे न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ सुप्रा ऑप्टिक एंड पाराभेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, इसमें किसके ये होते हैं न्यूक्लियाई, तो सुप्रा ऑप्टिक और पाराभेंट्रिकुलर का न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है न्यूरोहाइपोफाइसिस को। अब इसमें क्या दो, ये दो होते हैं, एक होते हैं एंटीड्यूरेटिक हार्मोन और दूसरा होता है ऑक्सीटोक्सिन, जो पहले ही बता चुके हैं इसके फंक्शन को, लेकिन एंटीड्यूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, और ऑक्सीटोक्सिन क्या करता है, ये दोनों क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है, ये मेली ऑक्टापेप्टाइड होता है और डिफर ओनली बाय 2 अमीनो एसिड, ठीक है। एंटीड्यूरेटिक हार्मोन इसका तो पता है कि ये वाटर को कंजर्व करता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम आर्जिनिन वैसोप्रेसिन भी है। ये कैसे कंजर्व करता है, तो जी प्रोटीन की हेल्प से इंक्रीज कर देता है एडिनाइल साइक्लेज को
और प्रमिलिति तो वातर को भी इंक्रीज कर देता है। भीतर रिसेप्टर ऑसो मेडिएट वॉन विलिब्रांड फैक्टर एंड टिशो प्लास्मिनोजेन एक्टिवेटर। भीतर रिसेप्टर क्या करता है, ये वॉन विलिब्रांड फैक्टर और टिशो प्लास्मिनोजेन एक्टिवेटर को भी इंक्रीज करता है। V1 किस पे एक्ट करता है, तो स्मूथ मसल से लैपेटोसाइट ये सब पे क्या करता है, अफेक्ट करता है। और V3 किस पे, तो ACTH मतलब V2 करता है ब्लड पे मेनली। V1 स्मूथ मसल सेल और V3 ACTH पे, ठीक है। इस तरह से ये तीनों फंक्शन करते हैं। अब ये जो ADH का होता है वो शॉर्ट लाइफ होता है, क्विकली रिस्पॉन्स करता है हाइड्रेशन के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, तो ऑस्मो रिसेप्टर को एस्टिमुलेट करता है, डिक्रीज करता है ब्लड वॉल्यूम को। बैरो रिसेप्टर को क्या करता है, ये बताता है कि क्या करना चाहिए, ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहिए। ऑक्सीटॉक्सिन के बारे में तो आपको पता है, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन कैसे रेगुलेट होता है, तो ये मेनली इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किस में, तो हेपेटाइटिस रेगुलेशन में और ओबेसिटी बाय इंड्यूसिंग एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब क्या होता है कि भूख ना लगना, तो ओबेसिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है एनोरेक्सिया करके, ठीक है। ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, सकलिंग में हेल्प करता है। मिल्क प्रोडक्शन करता है कौन, तो प्रोलैक्टिन। ये किस में हेल्प करता है, तो मिल्क लेट डाउन में, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम क्या लेके आएंगे, हाइपोपिट्यूटरीज़म लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।